रूप में रंग भर दी नी रे मोसे नैनो मिले के सर आज आपने आज मतलब रिकॉर्डिंग की है सॉन्ग ऑफ सूफीज के बारे में कुछ बताइए हमें कौन सा गाना है कैसा ये एक बहुत ही रूहानी गाना है और राजीव महावीर जी ने बहुत अच्छा कंपोज किया है। नजमी साहब ने लिखा है ये गाना और जब ये गाना मुझे सुनाया गया फ़ोन पे तो मैं सोच रहा था ये गाना कब रिकॉर्ड करूँगा, इतनी खूबसूरत कंपोजिशन है। और इस तरह की कंपोजिशन जब मिलती हैं तो सिंगर बहुत मज़ेदार मतलब खुश हो जाता है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को जब ये कंपोजिशन आएगी बाहर, जब ये गाना आएगा बाहर, तो लोगों को बहुत सुकून मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा। जी तो ये क्या कोई रोमांटिक मूड का गाना है या नहीं? ये थोड़ा सूफियाना स्टाइल का गाना है, जैसे कि इस एल्बम में एक ही गाना गाया है। राजीव जी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि ना प्लीज़ ये गाना गाइए और ये गाना गा के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी गाने के बारे में मुझे पता है क्योंकि पूरे गाने जितने जो भी इस एल्बम का मूड होगा वो मेरे ख्याल से सूफी मूड है। तो इसके सारे गाने आप ही ने गाए हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ना मैंने एक ही गाना गाया है और बहुत मज़ा आया मुझे। जी और बेसिकली आप मतलब म्यूजिक वीडियो में एग्जैक्टली आप देखते क्या कैसा कंपोजिशन होना चाहिए मतलब जो आप लाइक्स करें? गाने के बारे में बात किया जाए तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, लाइक एक सूफी गाने में जो लैक हो रहे हैं आजकल के जो सुनने में आते हैं जी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए ना, सूफी का सबसे पहली बात तो सूफी एक ख्याल है, एक ख्याल को सूफी कहा जाता है। सूफी के काफ़ी अलग अलग लोगों की नज़र में कि लोगों के अलग अलग नज़रिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे पहले तो ऊपर वाले से तार जोड़ता है सूफी म्यूज़िक, और एक सोच है, एक ख्याल है। सूफी का मतलब ये होता है, जैसा कि मैंने मुझे सुना है, जो मैंने अपने जो उर्दू दाँ हैं या जो लोग जानकार हैं उनसे सुना है कि सूफी एक ख्याल है और उसमें उतर उतर के और उसके अंदर लीन हो के जब ना हम उसको पेश करते हैं उसको सूफ़ी कहा जाता है। एक ऐसा भी होता है कि ना आप ना कोई चीज़ गा रहे हैं वो उसका कोई लेना देना नहीं है, ना कोई रूहानियत है, तो उसमें कोई मायने नहीं होता। तो ये इसको एकदम अंदर पी के गाने को उसको मेरे ख्याल से हम सूफ़ी संगीत से जोड़ते हैं। अगर हम आजकल के गा मतलब सुरों को पी के गाने में पी के दूसरे वाला पी आजकल के जो सॉन्ग की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे डल्ली वाले सॉन्ग्स होते हैं या फिर डीजे टाइप के सॉन्ग्स होते हैं जी, वो भी एक अपना स्टाइल है और आई थिंक कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट एक सूफी गानों पे जो पड़ रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये म्यूज़िक तो ना कभी मतलब बंद हो ही नहीं सकता या कभी उसकी उम्र कम नहीं हो सकती है, क्योंकि रूह को सुकून इन्हीं गानों से मिलता है। अगर आप कभी सुकून में बैठेंगे या फिर मुझे रिलैक्स करना है या मुझे थोड़ा अच्छा म्यूज़िक सुनना है या फिर रिलैक्स करना है मुझे, तो इस तरह का म्यूज़िक लोग सुनेंगे, ना कि धागड़ धिंगा वाला म्यूज़िक सुनेंगे, क्योंकि हम लोग भी सब तरह के गाने गाते हैं। तो इस तरह का म्यूज़िक लोगों को सुकून पहुंचाता है, लोगों का जो स्ट्रेस है वो कम करता है। और म्यूज़िक से बड़ी मेडिसिन कोई भी नहीं है, म्यूज़िक से बड़ा इलाज कोई नहीं है। इंसान अपने आप में नहीं रहता, किसी और दुनिया में चला जाता है। जब राजीव जी का आपको लाइक वॉल आया कि आपको इस तरह का लाइक सूफी सॉन्ग के लिए आपको गाना है, तो फिर क्या आपने सोचा कि क्या प्रिपरेशन हुई होगी? मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, मुझे कंपोजिशन बहुत अच्छा लगा था, मैं आया और मैंने कंपोजिशन यहाँ पूरी सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने गाते गाते जो मुझे मन में आया कि मुझे ये जगह लेनी चाहिए या ये हरकत लेनी चाहिए, वो मैंने गाते गाते किया। और